हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार डीएसएमएस के कंप्रेसिव मेम्बर चैप्टर के 7वें लेक्चर के अंतर्गत आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करते हैं। और हमने बताया था कि आपको 7वें लेक्चर में कंप्रेसिव मेम्बर से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या ये आपका एक है, ये क्या कह रहा है, ए स्टील कॉलम। अब यहाँ देख लीजिए, स्टील का यहाँ कॉलम हुआ था रही, तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव लेंथ अगर नहीं दिया है तो इफेक्टिव लेंथ ज्ञात करने में आपको साड़ी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टड का अलग होता है, इसका अलग होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए क्या कह रहा है, ए स्टील कॉलम टू सपोर्ट एन एक्सियल लोड ऑफ 800 किलोन्यूटन, ठीक है। इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 6 मीटर, यहाँ देखिए इफेक्टिव लेंथ दिया है तो आपको ज्ञात करने का आवश्यकता नहीं है। देन डिजाइन द सुटेबल सेक्शन ऑफ कॉलम। ये कह रहा है कि कोई स्टील कॉलम है, ठीक है, एक स्टील कॉलम है, आपको डिजाइन करना है जो कि 800 किलोन्यूटन का लोड वहन कर सके, और उसकी इफेक्टिव लंबाई कितना दिया, 6 मीटर दिया है, ठीक है। और आपका इसका जो है FY कितना, 250 न्यूटन पर यूनिट स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, गिवन डाटा नोट कर लीजिए आप। देखिए क्या दिया है, 800 किलोमीटर दिया है लोड, इफेक्टिव लेंथ आपका दिया है 6 मीटर, मतलब 6000 mm हो जाएगा, और FY दिया 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फाइंड आउट डिजाइन द सुटेबल सेक्शन ऑफ कॉलम, ठीक है। स्टेप फर्स्ट हमने बताया था कि आपको क्या ज्ञात करना था, इफेक्टिव लेंथ ज्ञात करना था। तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप नीचे सीधे सीधे क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में नोट कर लेना है। स्टेप सेकेंड में क्या करना था आपको, स्टेप सेकेंड में आपको तंत्र अनुपात मानना था, तो हमने यहाँ मान लिया तंत्र अनुपात बराबर 70 है, और तंत्र अनुपात 70 के लिए आपका FY 250, उसके साथ साथ इसका प्रतिबल कितना होगा, 112 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको स्टेप फोर्थ में क्या करना है, आपको यहाँ प्रतिबल मिल गया, स्टेप फोर्थ में आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो इस रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा, दिया हुआ लोड बटे प्रतिबल। दिया हुआ लोड आपका 800 किलोन्यूटन था, उसको न्यूटन हमने कन्वर्ट कर दिया जो है 1000 गुणा करके, भाग 112 कर देंगे, तो 7142.8560 mm² आपका एरिया रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टील टेबल में जाना है, और स्टील टेबल में जो है सर्च करना है कि कौन सा सेक्शन इसके रिकॉर्डिंग है जो कि इसके फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्टील टेबल में जाएंगे, क्योंकि आपको जो कॉलम डिजाइन करना है और आई खंड है, तो आई खंड में क्या करना है, हमको जो है ऐसे खंड का सिलेक्शन करेंगे जिसका एरिया जो है अप्रॉक्सीमेट इतना हो या इससे अधिक हो, जो कि फेल ना हो लोड आने को, ठीक है। वो अभी हम बाद में चेक भी करेंगे। तो हमने जो सेलेक्ट किया है ISWB550@ 1125 न्यूटन पर, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी इसको हम। तो चलिए देखते हैं, तो हमने जो सेलेक्ट किया था ISWB550@ 1125 न्यूटन प्रति मीटर का, तो इसका एरिया कितना था, इसका एरिया देखिए इसमें आपका सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको हमें कनेक्ट आपको जो कन्वर्ट जब करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 100 का। तो ये इसका एरिया था 14334 mm², और आर एक्स एक्स था 228.6, और आर वाई वाई था 51.1 mm, ठीक है। तो इसलिए आर मिनिमम कितना होगा, जो दोनों में कम होगा तो 51.1 आर मिनिमम होगा। अब इसके अलावा आर मिनिमम मिल जाएगा, और कोई प्रभावी लंबाई आपको पहले पता ही जो चल चुकी है 6000 है, तो क्या करेंगे तंत्र अनुपात निकाल लेंगे। तो तंत्र अनुपात 170.4168 आ गया है। तो आपको पता ही होगा कि जो प्रतिबल होते हैं वो तो सीधे सीधे आपके टेबल में दिए हैं, परंतु वो क्या है, 10-10 का अंतराल दिया रहेगा, जिससे 110 के बाद 120 आता है, तो लेकिन 170 के लिए नहीं दिया जाएगा। तो 170 के लिए किस तरह याद करेंगे, देखिए फार्मूला क्या करेंगे आप, इस तरह से इसमें पुटअप कर दीजिएगा। सबसे पहले आप वैल्यू नोट कर लेंगे, जैसे निकालना कितने के लिए, 170.4168 के लिए निकालना है, और आपका तंत्र अनुपात कितना दिया, 110 दिया है, तो ये आपको इतना आया था। तो हम क्या करेंगे, टेबल में चलेंगे, तो 170 किसके बीच में आएगा, 110 और 120 के बीच में आएगा। तो 110 के लिए 72 होता है प्रतिबल, और 120 के लिए 64 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोअर वैल्यू मान रखेंगे, तो लोअर वैल्यू मान कितना है, 72+, ठीक है। अब क्या करें, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो अपर वैल्यू मान कितना है, 64 है, और लोअर वैल्यू मान कितना, 72, ठीक है। 64 - 72 हमने कर दिया। इसके बाद नीचे आएंगे तो लिखेंगे, ये आप नीचे लिखेंगे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो अपर वैल्यू 120 है, लोअर वैल्यू 110 है,
तन पाद का, ठीक है। इसके बाद आपको कितने के लिए निकालना है, 110 से कितना, देखिए देखिए 110 का आपने यहाँ नोट कर लिया है। अब आपको जो निकालना है इस खंड में, केवल 110 अधिक कितना है, 7.4168 का निकालना है। तो हम किसी फॉर्मूले पुट अप कर देंगे तो आपका प्रतिबल जो आ जाएगा 66.066 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पीसी ज्ञात करेंगे, पीसी मतलब इसका सामर्थ्य ज्ञात करना आपको स्टेप 8 में आके। तो प्रतिबल निकल गया है और उसका जो है आपका एरिया निकल गया है, एरिया आपको पता चल गया है कितना स्टील डिवेल्थ है इसका है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 946.99 किलोमीटर में आपका आ जाएगा। तो दिया गया जो लोड था आपका 800 था, जबकि ये जो इसका का जो समर्थ आ रही है ये अधिक आ रही है, इसलिए क्या है आपका सेफ है। इस तरह हम क्या करें, तंत्र अनुपात में जांच कर लिए हैं, तंत्र अनुपात का मान 180 कम है, इसलिए मेरा सेफ है, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसी कड़ी में हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। देखिए डिजाइन है सिंगल एंगल, अब देखिए यहाँ स्ट्रट की बात हो रही है, सिंगल एंगल है और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, ठीक है, फॉर ए रूफ ट्रस। तो कह रही है लोड ऑफ 99, ठीक है, 90 किलो न्यूटन। द लेंथ ऑफ स्ट्रट बिटवीन द सेंटर ऑफ इंटरेक्शन इज 2.5 मीटर। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कंडीशन नहीं दिया कि मतलब एक रिवर्स जुड़ा है, दो रिवर्स जुड़ा है, तो ऐसा नहीं दिया, हम क्या करें मान लेंगे, ठीक है। तो गिवन डाटा हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। टू फाइंड आउट क्या करना है, आने वाले एच बार को वहन करने के लिए उपयुक्त खंड का चयन आपको करना है। तो मतलब आपने क्या क्या काम कर लिया है इसमें देख ले, नोट कर लेते हैं। आपका देखिए गिवन डाटा हो गया है कंप्लीट, इसके बाद टू फाइंड आउट, ठीक है, इसका सोल्यूशन है। स्टेप फर्स्ट में आपको पता है प्रभावी लंबाई सबसे पहले ज्ञात करते हैं। प्रभावी लंबाई के लिए इन्होंने एंड कंडीशन नहीं दिया था, इसलिए हमने क्या किया है कि मान लिया संविधान का सिरा गसेट प्लेट द्वारा 2 या 200 डिग्री रिवर द्वारा जुड़ा है। जब 2 या 200 डिग्री रिवर द्वारा जुड़ा होगा प्रभावी लंबाई कितना होता है, 0.85 × L होती है। तो हम क्या करेंगे, L को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2125 में आ जाएगा। दूसरे में तंत्र अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, तंत्र अनुपात को मानना है, ठीक है। तंत्र अनुपात हमने 120 मान लिया, उसके लिए प्रतिबल कितना 64 हो गया है, दूसरा कंप्लीट होगा। इसके बाद में तो जाहिर बात है कि स्टेप सेकंड में क्या करना था आपको, मानना था तंत्र अनुपात, और इसके बाद में स्टेप थर्ड था, ठीक है। तो स्टेप थर्ड आपका ये है, स्टेप थर्ड में आपको अच्छी संपीड़न प्रतिबल जो है वो ज्ञात करना था टेबल से, स्टील टेबल से। तो 64 हो गया। स्टेप फोर पर आते हैं, रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना है, देखिए आपका बल दिया है, बल बटे प्रतिबल आपने कर दिया है, तो 1406.25 m² एरिया मिल गया। स्टेप फाइव में पहुंचते हैं हम। स्टेप फाइव जब आप आएंगे, देखिए जब संविधान का अविकल्पन पूछा जाए तो स्टील टेबल से कोड़ी खंड तथा यदि स्तंभ का अविकल्पन पूछा जाए तो आई खंड का चयन करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब स्टील टेबल से कोड़ी खंड का चुनाव करते हैं जिसका क्षेत्रफल आवश्यक जो आपका क्षेत्रफल है उससे बराबर है, उससे अधिक हो, ठीक है। तो हमने सिलेक्शन किया है 100×100×8 का, ठीक है, जिसका भार है 118.7 न्यूटन प्रति मीटर का। इसका एरिया देखिए इतना है, जो कि आपका जो एरिया आया है 1406 आया था, यहाँ 1547 है, और उसके लिए आर मिनिमम 19.5। तो आर मिनिमम मिल गया, प्रभावी लंबाई मिल गई, क्या करेंगे इस सेक्शन के तंत्र अनुपात निकालेंगे। तंत्र अनुपात 108.974 आ गया है। तो ये आपका होगा किसके किसके बीच में, 100 और 110 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, वही पुराने वाला फार्मूला से हम क्या करेंगे, प्रतिबल को हम निकाल लेंगे। प्रतिबल आपका आ गया है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप सेवन में आ जाइए, यहाँ जांच करते हैं कि ये कितना जो है भार ले सकता है जो आपका आपने सेक्शन सेलेक्ट किया है। तो एरिया 1547 था और प्रतिबल आपको 72.824 आ गया। तो जो आपका भार वहन कर सकता है ये 112.08 का भार वहन कर सकता है। तो जो दिया गया लोड था आपका कितना था वो भी आप देख लीजिए, जो आपका दिया गया लोड था वो था आपका 90 किलो न्यूटन, ठीक है, 90 किलो न्यूटन था, जबकि जो ये आ गया आपका है 112 किलो न्यूटन अधिक आ गया है। तो ये आपका क्या है, सेफ है, और इसमें सेफ आपका लोड में सेफ है और आपका तंत्र अनुपात में भी सेफ है। तो दो न्यूमेरिकल आपने समझ लिया, एक कॉलम का और एक स्ट्रट का। और आशा करते हैं कि इस तरह से आप जिस टाइप जितने न्यूमेरिकल होंगे आप लगाने का प्रयास करेंगे। जो न्यूमेरिकल नहीं आएगा मैं कितने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप उसको पूछिए, फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन आपका समय है, अगर भाई समय है ही है तो घर पर रहिए, परिवार का ध्यान दीजिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, जितना सहयोग हम लोग को हो सकता है हम लोग करेंगे। धन्यवाद।